उधर नगर निकाय चुनाव 2020 मामले में 6 नगर निगमों में चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की लोक सूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। 560 वार्डो में पार्षद के लिए 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 18 अक्टूबर को अवकाश के चलते नामांकन नहीं लिए जाएंगे, जबकि कोरोना संक्रमित या लक्षण होने पर प्रस्तावक के जरिए भी नामांकन पत्र भरा जा सकता है। तो आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है। भरतराज ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। भरतराज, क्या कुछ और व्यवस्थाएं हैं? और उत्साह तो लगातार देखने को मिल रहा है उम्मीदवारों की अगर बात करें, लेकिन वहां जिस तरह से प्रस्तावक के जरिए जो कोरोना संक्रमित या उनके लक्षण वाले लोग हैं वो नामांकन प्रस्तावक के जरिए भर सकते हैं, और क्या कुछ नए नियम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव के बाद अब शहरी सरकार चुनने के लिए नगर निगम चुनाव जारी किया जा रहा है। उसके लिए आज लोक सूचना जारी हो गई है। लोक सूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं और ये 19 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। बीच में एक दिन का अवकाश रहेगा, संडे के लिए उस दिन नामांकन नहीं ले जाएंगे। लेकिन इस दौरान कोरोना संकट को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक फैसला लिया था और किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है लोकतंत्र में तो उसके प्रस्ताव के जरिए अपना आवेदन भेज सकेगा, उसका आवेदन माना जाएगा। इसके साथ ही आरओ कक्ष में नॉमिनेशन के दौरान आवेदन प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश मिल सकेगा। तो आज से शहरी सरकार के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है और अब प्रत्याशी अपना 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद 29 अक्टूबर को और 1 नवंबर को इसके लिए मतदान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए।